द्विजव्यजयान् प्राश्रभोगान् सविष्णान् पश्चाचन्यान् समर्थिभिभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वागेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पातु अशो नः स्तुतिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैदत्त प्रकरण के ऊपर अभी हम लोग ये दो प्रकरण में जो भी कुछ कहा गया है उसको संक्षेप में एक श्लोक के द्वारा ग्रंथ का कहेंगे, मांडुक्य का कहना चाहता है। पहला प्रकरण में श्रुति मंत्र के आधार पर जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा दिखाया, फिर उसी को युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया कि अनुचित काल अनुचित देश अनुचित समय किसी के साथ सहमति नहीं और ज्ञान भी अभाव स्वप्रयोजनीयता भी सिद्ध नहीं करता, मतलब शाब्दिक वस्तु जागृतकालीन प्रयोजन सिद्ध नहीं करता सुषुप्तिकालीन। इस प्रकार से ये क्या इतने सारे निशन के कारण शाब्दिक वस्तु मिथ्या है, जिस हेतु से दिखाया उसी हेतु से कारण जागृत वस्तु भी मिथ्या है ऐसा प्रतिपादन करके दिखाया। इसलिए क्या हुआ कि न निरोध न चौथ करते, इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई वस्तु आपके सामने दिखाई दे रहा है वो प्रकृति मात्र है, इसको जो है निरोध करना लय करना प्रलय करना इसके बारे में सोचना ही नहीं है, रहने तो झुका है मतलब उसमें क्या करना है। जब नाश नहीं है यानी कि इसका उत्पत्ति नहीं हुआ, क्योंकि जिसका ज्ञातश्रेय दुर्गम मृत्यु इसका उत्पत्ति ही उसका नाश भी होगा है, इसका नाश होना संभव नहीं है क्योंकि उत्पत्ति नहीं है। पर जब उत्पत्ति आदि नहीं है तो एक यहाँ पे बद्ध भी कौन होगा, साधक भी कौन होगा, मुक्त भी कौन होगा, और मुमुक्षुता भी कैसे होगी, सब का ही अभाव है। पारमार्थिक दृष्टि से अज्ञान दृष्टि से सब कुछ प्रकृति होती है, अज्ञान के कारण प्रकृति होता है, ज्ञान होने के बाद पारमार्थिक दृष्टि से पता लगते हैं अरे ये सब कोई चीज पारमार्थिक है ही, ये केवल हम कल्पना करके हम व्यवहार कर रहे थे और सारा व्यवहार कल्पना से ही होता है, सारा व्यवहार कल्पना से ही होता है। पारमार्थिक तत्व को यदि हम जान लेंगे अपनी पूर्ण व्यापकता को यदि हम समझ जाएंगे फिर व्यवहार कहाँ से होंगे, व्यवहार जब तक हमारी पूर्णता को नहीं समझ पाते तब तक व्यवहार अपने दिखते हैं और फिर जो है उससे सच भी मानते हैं अगर हमको फल भी प्राप्त हो जाए, फल प्राप्ति के लिए तो उसी कर्म करते हैं। तब देखिए इस मंत्र का एक बार मंत्र को दोबारा पढ़ेंगे सब मिल करके 32 न निरोधम न च उत्पत्तिर् न वर्धो न साधकः न मोक्षोर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। इसका पहला पंक्ति में जो ये द्वैत प्रपंच सही नहीं है, इसका उत्पत्ति प्रलय के अभाव है, यहाँ से पता लगा आपको श्रुति वाक्यों के आधार पर दिखाया था, युक्ति भी दिखाया था, यत्र हि द्वैतं भवति इस पंक्ति में जितना भाष्य दिया वहाँ पर पूरा पढ़ लिया था उत्पत्ति प्रलय है द्वैत का है कि अद्वैत का है, कि द्वैतस्य तो किंवा अद्वैतस्य इति आद्य मतलब अनात्मा की है अथवा आत्मा की है, आद्यम विकल्पम दूषयति। यदि आप कहते हो कि अनात्मा की है जो वस्तु है ही नहीं उसकी क्या उत्पत्ति होगा, क्योंकि बंधा पुत्र के डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते, आकाश कुसुम कब से दिखाई देगा ये कोई नहीं पूछते, इसलिए बोलते हैं सतो ही उत्पत्ति प्रलय वाशत न असत सस्य विशाना दे, जो वस्तु है नहीं सस्य को दिखाई नहीं पाता, इसका जन्म कब हुआ कब नाश होगा इस विषय में कोई पूछते ही नहीं है। अच्छा बोलेंगे द्वितीय मतलब तब अद्वैत की उत्पत्ति होते हैं, यदि अद्वैत की उत्पत्ति हो गया तब तो वहाँ पे जो है अद्वैत सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बताए ना कि द्वितीय द्वितीय प्रत्या और ना कि अद्वैत उत्पत्ति के लिए देगा, इसी को समझाने के लिए देखिए बोलते हैं अद्वैतम च उत्पत्ति प्रलय च भेद रहित है या फिर उत्पत्ति प्रलय वाला भी है, अद्वैतम च उत्पत्ति प्रलय मतलब वाला
उत्पत्ति प्रलय अलग है इति विप्रतिषिद्ध में, ये तो विरुद्ध कथन है, ये तो हो ही नहीं सकता। द्वैत है तब उत्पत्ति प्रलय से रहती होगा। टीका में देखिए बोलते हैं पेज 112, व्यवहारिक द्वैत अंगीकारा तस्य एव उत्पत्ति प्रलयो इति आशंक्य आह। अपने भेद को व्यवहारिक माना, इसलिए व्यवहारिक द्वैत अंगीकार, व्यवहारिक द्वैत प्रपंच का आपने अंगीकार किया, तब क्या हो जाएगा? तस्य एव, इसी व्यवहारिक जो द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है उसका उत्पत्ति प्रलय हो जाए। यदि हम ऐसा कहें तो बोलते हैं कि तस्य एव उत्पत्ति प्रलय उसका हो जाएगा इति आशंक्य। तब जो है उसका शंका करके उसके उत्तर में बोलते हैं, उत्तर होता है यस्तु पुनर, परंतु ये जो आप बोलते हो द्वैत व्यवहार, द्वैत संभव है ना, वो भी सारा कल्पित है। रज्जु सर्पवत आत्मनि, वो जो है रज्जु के ऊपर सर्प में सर्प दिखाई दे रहे, सर्प के समान आत्मा में प्राण आदि से लक्षित होते जो द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ते हैं वो कल्पित है। इति उक्तम, ये हमने पहले कही दर्शाया। हम कहकर कहकर प्राण आदि प्राण इति प्राण का विद्युत तत्व इति तत्व भी इस प्रकार से यहाँ पे 18 से लेकर के 20 श्लोक तक जितना बोल करके आए, ये सब दिखाई की कोई पारमार्थिक शब्द वस्तु नहीं है। जैसे भगवान भाष का उसका व्याख्यान भी नहीं करते, क्या बोलते हैं फल गु प्रयोजन फल, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इस कारण वस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार, ये द्वैत जगत की संव्यवहार होता है, संभव हर तो संभव व्यवहार दिखाई पड़ता है। सर बताइए स्वप्न में भी हम व्यवहार करते कि नहीं करते? स्वप्न में जितना वस्तु हमें दिखाई पड़ता है, किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना, किसी की लड़ाई करना, झगड़ा करना, सुखी दुख होना, सब स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। वस्तु में कोई ना वस्तु है ना कोई व्यवहार हो रहा है, केवल कल्पना मात्र है। ठीक इसी प्रकार वस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार स वो द्वैत संव्यवहार रज्जु सर्पव, रज्जु के ऊपर दिखाई देगा सर्प के समान आत्मनि आत्मा में वो द्वैत प्रपंच कहाँ शुरू होता है? प्राण के द्वारा लक्षणस्ति प्राण से शुरू होता है। प्राणादि लक्षण द्वैत संव्यवहार, प्राणादि लक्षण द्वैत संव्यवहार कल्पित, वो आत्मा में कल्पित है इति उक्तम, ऐसा पहले कह करके आगम प्रकरण में। इसी को देखो टीकाकार एक अनुमान के द्वारा समझा रहे हैं, विमतम विमतः उत्पत्ति प्रलयवान, पारमार्थिक दृष्टि से उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है, ये शब्द हो गया। तस्मा कल्पितत्वा, कल्पित होने के कारण ये हो गया हेतु, रज्जु सर्पवत ये होगा दृष्टांत, मतलब रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के समान। इति अत्र इस अनुमान में दृष्टांत असिद्धि आशंका, आपने जो कल्पित रज्जु कल्पितत्व बोला ये तो दृष्टांत सिद्ध नहीं होता, मतलब रज्जु सर्प कल्पित नहीं है, रज्जु सर्प उत्पत्ति हो गया ऐसा कोई कहे तो बोलते हैं कि आशंका रज्जु सर्पस्य रज्जाम उत्पत्ति पर रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प का, रज्जु में ही उसका उत्पत्ति भी होता है प्रलय भी होता है, वो रज्जु में होता है मनुष्य का मन में होता है दैव अथवा दोनों में होता है। इति विकल्प प्रथम प्रत्यय, इस प्रकार तीन विकल्प किया, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प की उत्पत्ति जो आप मानते हो, कहाँ मानते हो उत्पत्ति? रज्जु में उत्पत्ति भी मन में उत्पत्ति भी अथवा रज्जु और मन मिला करके उत्पत्ति, किंतु तीन से किसमें उत्पत्ति भी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, कहाँ उत्पत्ति? सिद्धांत पक्ष भगवान विमता तत्तः विमता तत्तः न उत्पत्ति प्रलयवान, विवादास्पद जो द्वैत व्यवहार विमर्शी करेंगे, विवादास्पद जो द्वैत व्यवहार जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, द्वैत व्यवहार में कोई सत्य मात्र है बिना जो दलील करती है, यहाँ पे बोलते हैं विमाता तत्व तो न उत्पत्ति प्रलयवान, तात्विक दृष्टि से इसकी कभी उत्पत्ति अथवा प्रलय वाला नहीं है, ये द्वैत शब्द व्यवहार तात्विक दृष्टि से उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है। तस्मात ये हो गया आपका साध्य है ना, विमतः मतलब द्वैत संव्यवहार ये हो गया पक्ष, ठीक, और तत्त्वत न उत्पत्ति प्रलयवान ये हो गया साध्य। हेतु क्या दिया? हेतु क्या दिया? हेतु कुछ नहीं, कल्पितत्व, ये कल्पित होने के कारण हेतु साध्य हो गया। तत्त्वत न उत्पत्ति प्रलयवान, तात्विक दृष्टि से ये उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है, तात्विक से उपेश शब्द हो गया। विवादास्पद ये द्वैत संव्यवहार ये तात्विक दृष्टि से उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कल्पित वस्तु है,
जैसे भाई हेतु है, जैसे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु सर्प वत्। अब क्या आपका अनुमान सही है कि नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हेतु साध्य में नहीं, मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों है कि नहीं है। दृष्टांत क्या है यहाँ पे? रज्जु सर्प का हेतु क्या है? कल्पित तत्व। तो कल्पित तत्व रज्जु सर्प में बैठा हुआ है, कल्पित है। और क्या होता है? तत्त्व न उत्पत्ति प्रलयमान, रज्जु को पर सर्प दिखाई दे रहा है पारमार्थिक दृष्टि से, वो उत्पत्ति वाला नहीं है, ये भी बैठा हुआ है आपका। हमारे दृष्टांत रज्जु सर्प के दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठा है। हेतु हो गया कल्पित तत्व, रज्जु को दिखाई दे रहा है सर्प कल्पित भी है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। सही, ये सभी को समझ में आते हैं, है ना। इस प्रकार दृष्टांत में हेतु और साध्य बैठा हुआ। अब जो है दिवालस्पर जो द्वैत व्यवहार, दिवालस्पर जो द्वैत व्यवहार, ये भी कल्पित है, ये भी कल्पित है। कि कल्पित तत्व हेतु यहाँ भी बैठे हुए सिद्धांत एक होता है, इसलिए इसका भी उत्पत्ति और प्रलय होना संभव नहीं है, है ना। यत्र यत्र कल्पित तत्व तत्व उत्पत्ति प्रलय अभाव, ठीक है। ये व्याप्ति समझ में आ रहा है? व्याप्ति क्या हो गया? जहाँ कल्पित है, कल्पित धर्म है, वहाँ पर उत्पत्ति और प्रलय के अभाव है। तात्विक उत्पत्ति प्रलय की अभाव, तात्विक उत्पत्ति प्रलय का मतलब कल्पना में उत्पत्ति हुई, कल्पना में उत्पत्ति, वहां तात्विक उत्पत्ति है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ कल्पित जत्र जत्र कल्पित तात्विक उत्पत्ति प्रलय अभाव, ये हो गया व्याप्ति, है ना। अब जो है इस व्याप्ति तो सही है, इस व्याप्ति सर्व को समझ में भी आता है, इस व्याप्ति में कोई कमी नहीं है। इसीलिए क्या हो गया? रज्जु सर्प के दृष्टांत में कल्पित हेतु बैठे हुए है और साध्य भी बैठे, दृष्टांत में हेतु और साध्य बैठे हुए है और पक्ष में कल्पित हेतु बैठा हुआ, इसीलिए पक्ष में वो उत्पत्ति प्रलय वाला, तात्विक उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं हो सकता। पक्ष हो गया द्वैत संव्यवहार, जिसको विमत शब्द के द्वारा कहा गया द्वैत संव्यवहार, तत्त न उत्पत्ति प्रलयमान, हो गया आपका शांत। और कल्पित तत्व हो गया हेतु और रज्जु सर्प हो गया दृष्टांत, ठीक है। अब बोलते इति अत्र इस अनुमान में दृष्टांत असिद्धि, जो आपने दृष्टांत तो क्या दिया रज्जु सर्प, यदि रज्जु सर्प में रज्जु सर्प की उत्पत्ति नहीं होती, ये बात नहीं है, सर्प की उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई मानने वाले बात ही है। इसलिए बोलते हैं आपके दृष्टांत असिद्ध, दृष्टांत सही नहीं है आपका, ऐसा कोई शंका करते हैं, ठीक है। तब आप बताओ रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प की उत्पत्ति कहाँ होती है? रज्जु में होती है, मन में होती है, उसको दोनों मिला कर, ठीक है। इसके तीन विकल्प किया, रज्जु सर्प रज्जामुत्पत्ति प्रलयो, एक फर्स्ट विकल्प ये हो गया, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प की उत्पत्ति रज्जु में उत्पत्ति हुई क्या, एक। दूसरा होता है मन शिवा अथवा मन में उत्पत्ति हुई, अथवा तीसरा होता है दयोर, अथवा दोनों में, दोनों मिला कर दोनों दोनों ही अधिष्ठान, एक ही भ्रांति के दो अधिष्ठान दयोर वा विकल्प। इस प्रकार विकल्प करके प्रथम प्रति अहम, पहला विकल्प क्या था? रज्जु में सर्प की उत्पत्ति होते, इस विकल्प के उत्तर में भगवान भाष्कर होते हैं, नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्जां प्रलय उत्पत्ति वा, मन की कल्पना से दिखाई दे रहे हैं जो रज्जु के ऊपर सर्प, वो सर्प रज्जु में कभी भी उत्पत्ति, रज्जु में कभी भी उसकी उत्पत्ति अथवा प्रलय होती नहीं है, केवल रज्जु रहते हैं। मन विकल्प मन आया, इसको पढ़ने को टिप्पण, मन परिणाम होगा, मन की वृत्ति की परिणाम रूप जो रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो सर्प रज्जु में कभी भी उत्पत्ति भी नहीं होती, नाश हो गया पहला। तो इसको देखिए उस क्यों नहीं होता, यदि होता तो क्या होता? यहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे रज्जु पश्यताम सर्वेशम उपलब्धि प्रसंगादि, रज्जु को देखने वाले सबको तब एक ही सर्प ही दिखाई देता, यदि रज्जु के ऊपर स्थान पर सर्प उत्पत्ति हो गया होता तो सभी को सर्प ही रूप में दिखाई पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हो जाएगा, गुचित्र माला दंड जलधर सब कितने कितने कल्पना कर लेते हैं, यदि वहाँ पर सर्प उत्पत्ति हो गई होती सर्प वहाँ होता तो सभी को सर्प ही दिखाई पड़ता, तब ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए रज्जु में सर्प उत्पत्ति हुई ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते। रज्जु पश्यताम, रज्जु को देखने वाले सभी व्यक्तियों का
सर्वेशम पश्यताम सर्वेशम उपलब्धि प्रसंग तो रज्जु के ऊपर दिखाई जाए सर्व की उपलब्धि की प्रसंग आ जाएगा यदि और तेज का भी प्रकार थे। द्वितीय विकल्प क्या किया था मन में उत्पत्ति हुई। द्वितीय विकल्प क्या था मन में उत्पत्ति हुई तो बोलते हैं द्वितीय दूषयति न च मनसि रज्जु सर्वस्य उत्पत्ति प्रलय वा मन में ही रज्जु की रज्जु में दिखाई दे रहे सर्व की उत्पत्ति कहाँ पे हुई मन में हुई। ये भी नहीं कह सकते हो आप रज्जु की उत्पत्ति नहीं हुई कह नहीं सकते क्यों तब सबको ही दिखाई पड़ता है मन में उत्पत्ति ये भी आप नहीं कह सकते हो क्यों आपको बाहर दिखाई पड़ते हैं अगर तब तक मन प्रकाश दिया होता यहाँ पे बोल रहे हैं कि न द्वितीय रज्जु पश्चिम सर्वेश्वर उपलब्धि प्रसंग द्वितीय दूषे मतलब मन में उत्पत्ति भी ऐसा अगर कहोगे तो उसको भी दोष देते हैं मन में भी रज्जु सर्व की उत्पत्ति नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है उपलब्धि विरोधा आपको दिखाई कहाँ दिया बाहर दिखाई दिया इसलिए आप बोलते हो कि बाहर दिखाई दे रहा है उत्पत्ति कहाँ पे हुई मन में ये तो विरोध है विरोध पता नहीं इसलिए नहीं हो सकता जो बाहर दिखता है वो मन अंदर से ही अरे वो तो हमारे सिद्धांत है यहाँ पे क्या प्रश्न किसको लेकर के बोल रही है यहाँ पे प्रसंग क्या है कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प की उत्पत्ति हुई अथवा नहीं यही तो प्रसंग है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प सर्प की तात्विक उत्पत्ति है अथवा नहीं है हम क्या बोलते हैं नहीं है वो कोई बात मानने वाला है तो आप जो मानने उससे हम पूछते हैं जो उत्पत्ति आप जो कह रहे हो कहाँ उत्पत्ति हुई रज्जु में मन में अथवा दोनों मिला करके मन में उत्पत्ति तात्विक तो हो ही नहीं सकता कोई भी उत्पत्ति तो मन में जब उत्पत्ति तात्विक तो हो ही नहीं सकता मन में उत्पत्ति होगा एक्चुअल वेरिफिकेशन में तो देखा जाएगा रज्जु ही है वही तो बात ये तो हमारे सिद्धांतों को लेकर के हम उसका खंडन करेंगे जो वादी मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति पारमार्थिक है मतलब रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प की उत्पत्ति पारमार्थिक है तो हम उनसे पूछते हैं जो पारमार्थिक मानते हो कहाँ पे मानते हो रज्जु में ही सर्प उत्पत्ति हुई अथवा मन में हुई अथवा दोनों को मिला करके हुई रज्जु में उत्पत्ति होना संभव नहीं है सभी व्यक्ति को वो रज्जु ही सर्प दिखाई पड़ता मन में क्यों संभव मन में इसलिए संभव नहीं है उपलब्धि कहाँ पे हो रहा है आपको मन में हो रहा है कि बाहर हो रहा है आप अपने अपन बाहर हो रहे हैं यदि मन के अंदर सर्प की पारमार्थिक पारमार्थिक सर्प की उत्पत्ति अंदर हो गया होता तो आपको बैठे नहीं दस देता पारमार्थिक कोई सर्प की उत्पत्ति अगर शरीर के अंदर कपड़े के अंदर एक चींटी भी जाता है तो पहले उनको मारता है। यदि इस प्रकार मन के अंदर कोई ऐसा जहरीला जीव उत्पन्न हो जाए तो पहले काट देगा एक तो बाहर उत्पत्ति हो रहा है दूसरी बात क्या है हमें अभी तक जो है काटा नहीं नाशा नहीं यानी कि वहाँ पे है नहीं वो इसलिए हमें बोलते हैं न तो वही उपलब्धि विरोध है बाहर भी उपलब्धि हो रहा है उसके साथ विरोध हो जाएगा। तृतीय विकल्प होता है ठीक है था दोनों मिल करके हुआ आधार अधिष्ठान रज्जु का आधार अधिष्ठान मन का ऐसा मिला करके उत्पत्ति हुई वहाँ उत्पत्ति पारमार्थ्य भी इसको सिद्ध करने के लिए इतना विकल्प कर रहे हैं बोलते कभी भी कोई जो है कल्पित वस्तु जो है दोनों अधिष्ठान के साथ उत्पत्ति नहीं होते एक अधिष्ठान में दिखाई पड़ते हैं। तृतीय निरस्यति तृतीय विकल्प होता है दोनों में होता है न च उभयत्वा दोनों प्रकार से दोनों मिलकर उत्पत्ति होगा ये भी आप नहीं कह सकते न च उभयत्वा ये भी नहीं कह सकते क्यों नहीं उभयत्व मनोरज्जु लक्षणे न रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति प्रलय युक्तौ द्विआधारत्व अनुपलम्भादिति अर्थः एक ही भ्रांति में दो आधार हो गया ये कहीं नहीं दिखाई देता है। उभयतो मनो रज्जु लक्षणे मन और रज्जु मतलब रज्जु रस्सी इसके द्वारा लक्षित होता है ये दो अधिष्ठान वो न रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति प्रलय वहाँ पे रज्जु सर्प की उत्पत्ति और प्रलय होना संभव है होना युक्ति संगत नहीं है न युक्त न मान यहाँ पे हो जाएगा न युक्त क्यों द्विआधारत्व अनुपलम्भा है ना एक कल्पित वस्तु का दो आधार ये कहीं भी नहीं दिखाई दिया एक कल्पित वस्तु का दो आधार होता है ये कहीं नहीं दिखाई दिया इसलिए बोलते हैं द्विआधार अनुपलम्भा इति अर्थ। तो तीन विकल्प किया था रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प की उत्पत्ति कहाँ भी रज्जु में मन में अथवा रज्जु और सर्प दोनों मिला करके आपकी दृष्टांत को आप दृष्टांत में घटाइए कहाँ दृष्टांत में घटना है जगत मतलब द्वैत संव्यवहार द्वैत संव्यवहार भी हम करते हैं इसकी पारमार्थिक उत्पत्ति कहाँ हुई अद्वैत परमात्मा में अधिष्ठान वही है
द्वैत संव्यवहार है और उसका अधिष्ठान अद्वैत परमात्मा में पार द्वैत संव्यवहार पारमार्थिक है, कल्पित जो कोई बात नहीं वो पारमार्थिक मानते हैं। इधर पारमार्थिक अद्वैत और पारमार्थिक द्वैत दोनों तो पारमार्थिक नहीं हो सकते ठीक। इसे वहां की उत्पत्ति संभव मन में उत्पत्ति हुई, यदि मन में उत्पत्ति होते तो बाहर कैसे दिखाई मन ही नहीं दिखाई देना चाहिए था। दूसरा दोनों मिलकर के हुआ मन और अधिष्ठान आत्मा, मन और अधिष्ठान आत्मा दोनों जो है क्या अलग अलग जगह में अलग अलग, क्योंकि मन का भी अधिष्ठान आत्मा है, मन का मन कल्पना का भी अधिष्ठान तो आत्मा ही है, परंतु तो क्या होता है कि दोनों अलग अलग अधिष्ठान में एक ही कल्पित वस्तु होना संभव नहीं है, इसलिए ये तीनों संभव नहीं है। उभय तो मनोरज्जु लक्षण है, तीन नंबर दिए पे देखिए बोला कि लक्षण है धर्मी द्वयी, दो धर्मी है और एक दो धर्मी हो गया रज्जु और मन, रज्जु और मन दो धर्मी में एक धर्म दिखाई दे रहा है क्या कल्पित व्यवहार व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, ये होना संभव नहीं है ये बोल रहे हैं। न रज्जु सर्वस्व उत्पत्ति प्रलय युक्त दि आधार कर्मलंबा दि अर्थ ठीक है। आगे बोलते हैं रज्जु सर्ववत् द्वैतस्य मानसत्व अविशेषात् न तत्तत् जन्म विनाशो दर्शयितुं शक्यौ इति दृष्टान्तिकम्। दृष्टान्त को अच्छी तरह से समझेगा कि अपना घटाएंगे दृष्टान्त, दृष्टान्त नहीं जगत पर द्वैत प्रपंच को ले जाके बोलते हैं तो रज्जु सर्ववत् रज्जु सर्ववत् समान द्वैतस्य जो भी द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है मानसत्व अविशेषा और सभी मानसिक कल्पित है मतलब कल्पित अविशेषा देखना चाहते हो तो अपने मन को इससे भिन्न अविद्या का अच्छा कोई एक प्रविष्ट रूप में नहीं दिखाई देगा, मन ही है, मन ही अविद्या भवबंध हेतु, मन ही अविद्या है संसार बंधन के लिए कारण है। क्यों ऐसा बोल रहे कि प्रतिज्ञा वाक्य हेतु क्या दिया तस्मिन विजृंभितेषति, मन जब अपना मुंह को खोल देता है सकल विजृंभित सारे जगह दिखाई पड़ते हैं, सुषुप्ति में नहीं दिखाई पड़ता क्यों मन के दरवाजा बंद है, समाधि में नहीं दिखाई पड़ता मन के दरवाजा बंद है, और तस्मिन विजृंभित जब मुंह खोलते हैं तब सारा दिखाई पड़ता है और तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टे मन को नाश करते हो तब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ये जो है मन ही जो है बंधन के लिए हेतु है। रज्जु सर्ववत् द्वैतस्य मानसत्व अविशेषात् द्वैत प्रपंच पूर्ण मानसिक है मतलब मन का पूरा रूप है अविशेषात् सामान्य रूप से दोनों के पास एक ही तुल्य अवशेष तुल्यत्व संभव नहीं है इसको दिखाने के लिए विनाशो दर्शयितुं शक्यो उसको दिखाना संभव नहीं है इति दृष्टान्तिक मन में रखते हुए दृष्टान्त को समझाने के बाद आप दृष्टान्त मिला कर दिखा रहे द्वैत प्रपंच को लेकर तथा भाष्य में तथा मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार जो है रज्जु सर्प में मानसत्व धर्म बैठा है उसी प्रकार द्वैत प्रपंच में भी मानसत्व तुल्यता तथा मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य द्वैत प्रपंच में जो है मानसत्व अविशेषात् इसके लिए महत्व देखिए इसी के आगे मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य ठीक है ना, इसीलिए द्वैतस्य न कुतश्चित्तात्तिको जन्म विनाशो इति शेष, इसलिए द्वैत प्रपंच का किसी भी इससे न सतरूप से न असतरूप से न किसी से उसका तात्विक जो है उत्पत्ति और नाश होना संभव नहीं, कल्पित उत्पत्ति नाश का मानते हैं। द्वैतस्य न कुतश्चित् किसी भी निमित्त से तात्विको जन्म विनाशो, तात्विक उसका जन्म नाश हो जाएगा ये आप नहीं कह सकते इति शेष उसको ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं
वो जो आयनों के मानसत्व अभिशेषार्थ द्वैतस्य उसका आगे इतना रखना द्वैतस्य न कुतश्चित तात्विक जन्म विनाश इति शेष किसी भी कारण से उसका तात्विक बिना उत्पत्ति प्रलय होना संभव नहीं है। मानसत्व असिद्धम आशंका कोई कहता है नहीं नहीं वो मानसिक नहीं है आपके सामने सीधा आप प्रमाण के दिखाई पड़ता है मानसिक कैसे बोल रहे ये जब ये शंका करते हैं तो बोलते हैं मानसत्व असिद्धि आपने जो मानसत्व मतलब कल्पितत्व का अर्थ क्या हो गया मानसत्व कल्पितत्व का तो मन के द्वारा दिया गया हेतु दिया अपना हेतु सिद्ध नहीं होता मतलब हेतु जो है आपका असिद्ध हेतु किसे किसको बोलते हैं हेतु यदि पक्ष में नहीं बढ़ता है उसको बोलते हैं स्वरूप असिद्धि। तीन प्रकार की असिद्धि है स्वरूप असिद्धि व्यापत्व असिद्धि आश्रय असिद्धि है ना हेतु को पक्ष में नहीं बोलना स्वरूप असिद्धि पक्ष को सिद्ध ही नहीं होना आश्रय असिद्धि और व्याप्ति सिद्ध नहीं होना योग्य व्याप्त सिद्ध होने को बाकी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मानसत्व असिद्धम सामान्य तो समझ जाएंगे मतलब कल्पित तो सिद्ध नहीं होता अब मतलब क्या हो जाएगा आपने जो पक्ष में आपका हेतु नहीं बैठा पक्ष क्या है ये मतलब द्वैत व्यवहार द्वैत प्रपंच में कल्पित तो नहीं बैठा हुआ है द्वैत प्रपंच में कल्पितत्व नहीं है पारमार्थिक है ऐसा पूर्ववादी कहना चाहते विशेषकर पूर्व मतलब दर्शन इसलिए आपका आपका अनुमान कौन सा अनुमान विमत तत्त्व न उत्पत्ति प्रलयमान कल्पितत्व आपका कल्पितत्व रूपी हेतु व्यापमत पक्ष में नहीं बैठ रहा है वो तो पारमार्थिक है ऐसा कोई शंका का निर्णय होता है मानसत्व असिद्धि आशंका आहोता होता है न अतो मनोविकल्पना मात्र तात्विक उत्पत्ति प्रलय होना संभव ही नहीं है इसलिए ये मानसिक विकल्प मात्र विकल्प मतलब शब्द प्रयोग होता है मतलब क्या है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शुद्ध पारमार्थिक वस्तु वहां पे नहीं है इसी को विकल्प बोलते हैं इसी को देखिए टीकाकार लिखते हैं न मनो द्वैतस्य दर्शन मात्र निमित्तम इति युक्तम द्वैत दर्शन में मन ही एकमात्र निमित्त ये कहना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि उसके पीछे अधिष्ठान तत्व तो कोई होना चाहिए अधिष्ठान अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है अधिष्ठान के ऊपर आपने ठीक से ध्यान नहीं देने के कारण आपने उस अधिष्ठान को भिन्न रूप से समझ लिया तब जो भिन्न रूप से समझा उसको युवा उत्पत्ति होगी हमने माना न च मनो द्वैतस्य दर्शन मात्र निमित्त केवल मात्र मन ही द्वैत दर्शन में निमित्त ये बात नहीं है क्या चाहिए एक अधिष्ठान चाहिए और उसको ठीक से नहीं देखना ये भी हेतु होना चाहिए तब जा करके मन कल्पित वस्तु दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए इसलिए बोलते हैं भ्रम सिद्धस्य अज्ञात सत्तायाम प्रमाण अभावादिति अभिप्रेत प्रतीतम उपसंहरति भ्रम के द्वारा जिस वस्तु सिद्ध होता है ठीक है ना वो उसके लिए अज्ञात सत्य कोई एक वस्तु है उसके सत्य आपको दो एक रज्जु में दो अंश है एक नाम रूप अंश है एक सत्य अंश है ये रज्जु है नाम अंश क्या हो गया रज्जु और सत्य अंश क्या है ये है आपको ये है का ज्ञान हुए बिना तो सर्वभ्रांति कभी नहीं हो सकता है ये समझ में आता है ये रज्जु है अथवा ये सुक्ति का है ये ज्ञान हुए बिना सुक्ति का ऊपर रजत भ्रांति कभी नहीं हो सकता है सामान्य ग्रहण इसीलिए बोलते हैं देखिए भ्रम सिद्धस्य अज्ञात सत्तायाम जो भ्रम जो सिद्ध होता है अब सिद्ध सत्ता अज्ञात है और भ्रम हुआ ये कहीं किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता फिलहाल तो हमको तो सत्ता है ब्रह्म की अज्ञात है लेकिन आपको वो ब्रह्म है ये आपको ज्ञान नहीं है परंतु कुछ तत्व तो है तो भ्रांति कैसे होगा किसी भी जगह पे भ्रांति के लिए कोई एक उस अधिष्ठान की सत्ता के ज्ञान हमको होता है केवल अधिष्ठान की मतलब ये है ये ज्ञान हो रहा है परंतु क्या है ये ज्ञान नहीं है हाँ मतलब उसका विशेष का ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान रहता है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है तभी भ्रांति होती है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सामान्य ज्ञान की आपका बोध नहीं आ रहा भ्रांति हो गई कभी नहीं होगा ये बोल रहे हैं यहाँ पे भ्रम सिद्धस्य अज्ञात सत्तायाम प्रमाण अभाव अज्ञात सत्ता की ज्ञातता नहीं है और वहां पे भ्रम सिद्ध हो जाएगा ये किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं होता इति अभिप्रेत इस मन में रखते हुए प्रकृतम उपसंहरति इसको लेकर के विचार चल रहा था
क्या विचार चल रहा था कि व्यवहार जो है मिथ्या है, अत्याशिक होता है, व्यापारिक सब अत्याशिक होते हैं। तस्मात सूक्तम, इसलिए ये मतलब बोध वाला चैप्टर जो था ये अच्छी कहा गया है सूक्तम द्वैत असत्वा, क्या द्वैत प्रपंच है ही नहीं, इसलिए निरोधाती अभाव से इसको नाश करो, इसको उत्पत्ति हुआ कि मैं मोक्ष हूँ, मैं साधक हूँ, इस प्रकार के जितना भाव है ये सभी जो है तारणार्थी नहीं है, ये हमारे कल्पना ही मात्र है, वेदांत वेदांत में ये कथा प्रसिद्ध है, कथा प्रसिद्ध है। एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा मतलब उतना विवेकी व्यक्ति अविवेकी व्यक्ति राजस्थान अधिष्ठान में कि ऊंट के पीछे बहुत बड़ा एक ढेर रूई की ढेर लेकर किसी को दिखाई दिया, दो तीन ऊँट पीछे गया और फिर बाकी तो वो और उसका कल्पना था बंद कर लिया, देख रहे ऊँट की रेल पूरा रैली जा रहा है, वो सोचने लग गया कि इतना ऊँट की रूई ये कहाँ जाएगा, कौन कटेगा, कौन धुनेगा, कौन बीनेगा, इतना वो क्या, ये चिंता खाने लगा। बस ये चिंता होते होते वो आधा पागल हो गया, गाँव वाले घर वाले परेशान थे, तो ऐसा तब तो महात्मा मेरे महाराज जी को कुछ कर कुछ नहीं, उसके बाद क्या बात है, इतना रोई कौन धुनेगा, कौन कटेगा, कौन बीनेगा, अरे तुमको पता नहीं क्या हुआ, बात इतना ही बात है, तो सारा रुई को इकट्ठा किया था अच्छा ढूंढने के लिए, इतने में एक व्यक्ति वहां पर बीड़ी सुल गई, आम उधर फेंक दिया, बस क्या हुआ सारा रुई बस मत, हाँ जल गया, हाँ कुछ रुई नहीं है वहां पर सारा जल गया, क्योंकि ये मनोकल्पना है। अब इस मनोकल्पना को जाके वहां पे प्रमाण से देखेगा क्या कि वहां पर आग लगी नहीं, रुई जल गई, क्योंकि वो तो मनोकल्पना थी उनकी, सुनते ही हाँ ठीक है तब तो कोई काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी द्वैत प्रपंच को हमने भी मन से कल्पना की, जो मन से कल्पना किया तो यद्यपि अद्वैत तो दिखाई नहीं पड़ता, पर तो किसी ने कह दिया कि द्वैत प्रपंच निश्चित हकीकत होते कल्पना मत करता, देखो यहाँ पे पारमार्थिक कथा नहीं है, क्योंकि आज तक जो तुमने ढूंढा वो इससे मिला नहीं, तुम से अद्वैत ही पारमार्थिक तत्व है, यहाँ इसको लेकर के अगला शंका उठाएंगे, इसको लेकर के अगला शंका उठाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, क्या पहले द्वैत व्यवहार जो वहाँ पे उत्पत्ति प्रलय आदि होना संभव नहीं है, जब उत्पत्ति प्रलय आदि, अच्छा इस ये जो कथा के साथ हम यदि दृष्टांत में घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा अंदर बैठा हुआ है ना, अरे इतना जन्मांतर कुसंस्कार अथवा जन्मांतर की भोग इच्छा, ये कब काटूंगा, कब इसका नाश होगा, कब अंतकरण शुद्ध होगा, कब मुक्त होगा, ये भावना होती है सारी, शास्त्र क्या बोलते हैं तेरे साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है, तू तो कल्पना कर रहा था, यदि गुरु बाप में विश्वास है, शास्त्र बाप में विश्वास है, हाँ जा गया, हाँ जा गया, तुम्हारे साथ इसका कोई संबंध ही नहीं, जब तक हम सोचते रहेंगे अरे इतना जन्मांतर ये संस्कार, इतना संचित करूँ, इतना क्रियमान करूँ, इतना प्रकट हो, कब तक है कहूँगा मैं, कब मुक्त होऊंगा मैं, तब तक दिमाग उलझाता जाएगा, दिमाग उलझाता जाएगा, इसलिए न बद्ध न साधक, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया, नबद्ध न साधक, तो मैं इस कथा को बहुत कई बार सुना मैंने जो है आचार्य लोग बोलते हैं। अब देखिए अगला है, निरोधादि अभावस्य पारमार्थत्वे तत्र एव शास्त्र व्यापारात् अद्वैते तत् अव्यापारात् अभाव बोधने व्यापृतस्य भाव बोधने व्यापार विरोधात् अद्वैत अप्रामाणिकं प्राप्तम् इति शंकते। ये ध्यान देना, एक वाक्य से दो अर्थ नहीं निकल सकता, तब वाक्य भेद हो जाता है। यह उपनिषद वाक्य यदि आपको द्वैत प्रपंच के निषेध करने में प्रतिपादन मतलब प्रयोग करते हैं, उसी को प्रतिपादन में ये उनका उपयोग है, तब ये अद्वैत को सिद्ध नहीं कर पाएगा, तब वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि एक अभाव को सिद्ध कर द्वैत प्रपंच के अभाव और एक अद्वैत के भाव, तो दोनों विरोधी वस्तु है, तो एक ही बात को दो विरोधी वस्तु में एक साथ सिद्ध करेगा, इस प्रकार कभी नहीं हो सकते। अब जो है आपकी ये उपनिषद वाक्य यदि द्वैत प्रपंच के निश्चित करने में प्रवृत्त हुआ है, तभी अद्वैत आप स्वयं बोलते हो अद्वैत प्रमाण के विषय नहीं है, तो अद्वैत जब अप्रामाणिक है मतलब प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा कि आपको ये जो है ये
सुंदर वाक्य प्रसिद्धि आ जाएगी। जो वस्तु प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है तब तो उसको मान लेता है, आप जब अद्वैत प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो रहा तब क्या हो जाएगा, शून्य वाक्य प्रसिद्ध हो जाएगा, सब नहीं है कुछ भी नहीं है यानी शून्य है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब प्रमाण के द्वारा, परंतु वेदांतिक सिद्धांत क्या है, जरूरी नहीं है हर चीज प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो। अभी जो कथा हमने सुनाया वो व्यक्ति कल्पना किए थे, परंतु शून्य मात्र से उस पर कहा महात्मा को देखा, अरे अच्छा व्यक्ति है, अरे मैं वहाँ पे गया था वहाँ पे देखा, मेरे भी मन में भी यही चिंता थी कि इतना कौन करेगा, सब इकट्ठा किया गया था, लोग आदमी इकट्ठा किया, इतने में एक व्यक्ति आया वहाँ पे लोगों में से भीड़ में भीड़ से उड़ गई और आग ऐसे ही फेंका तो बस वहाँ हाथ लेते इकट्ठा सारा जल गया। हाँ सारा जल गए, ज्ञान आदमी सर्व कर मानव समस्या एक अच्छा सारा चला देते हैं। ये कथा जो है यहाँ पे निरदादि अभाव से परमार्थत्व, मतलब निरदादि अभाव, मतलब निरोध नहीं चाहिए, प्रलय नहीं चाहिए, साधक नहीं है, मोक्ष नहीं है, इसका अभाव जो है परमार्थ वृद्धि, यही बात को श्रुति ने प्रतिपादन किया, श्रुति प्रतिपादित है ये बात परमार्थत्व, तत्रैव शास्त्र का व्यापार, यानी कि इस निषेध को प्रतिपादन करने में शास्त्र का व्यापार है। शास्त्र की उपयोगिता कहाँ है, ये नहीं है, यदि शास्त्रों की उपयोगिता निषेध नहीं है तब क्या हो जाएगा, अद्वैत व्यापार अव्यापार, तब क्या हो जाएगा, अद्वैत में शास्त्र का व्यापार नहीं होगा, हम मानते भी नहीं है, क्योंकि आत्मा को प्रतिपादन करने के लिए भी प्रमाण है तो हम भी नहीं मानते हैं। उपनिषद तो बोलता है अभाव में से नेति नेति बार बार जो बोलते थे, तो यही बोल रहे हैं कि यदि आप उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय द्वैत प्रपंच को निषेध करना मानोगे तब एक ही बात को तो दो चीज को प्रतिपादन नहीं कर सकते, मतलब इसका एक का अभाव और दूसरे का भाव, ये तो हमारी उत्तर है, ये हमारी उत्तर है, शास्त्र ये जो आप बोल रहे हैं तो हमारी उत्तर है, अरे ये तो ऑब्वियस है क्योंकि यही कारण अपने आप ही होता है, वो उसके लिए जिस प्रकार हमने जो कल्पना की कि इतना रूई कौन काटेगा कौन ढोएगा कौन बोनेगा, परंतु वहां जाकर के वो नहीं देखा कि आंख लगा कि नहीं लगा, प्रमाण के द्वारा नहीं जानने पर भी क्योंकि मान सकते वो सुनते ही जो है अपने आप सिद्ध हो जाता, बस ठीक है हो गया, जरूरी नहीं है कि प्रमाण के द्वारा ज्ञान होने पर ही सिद्ध हो। ये तो उनका सही कथन है कि एक वाक्य दो विपरीत विरुद्ध वस्तु को प्रतिपादन नहीं कर सकते, एक ही वाक्य दो विरुद्ध वस्तु के लिए प्रामाणिक नहीं हो सकता, ये तो उसका सही है, इसलिए बोलते हैं निरोधादि अभाव परमार्थत्व तत्वैव शास्त्र व्यापार, अभाव में ही शास्त्र का व्यापार रहने के कारण उपयोगिता होने के कारण अद्वैत तत्व अव्यापार, अद्वैत को प्रतिपादन करने में शास्त्र की उपयोगिता नहीं होने कारण अभाव बोधने व्यापृत, जो कौन शास्त्रवाद को अभाव के बोध कराने में व्यापृत हुआ है, मतलब व्यापार कर रहा था उपयोगिता है, भाव बोधने व्यापार विरोध, तो भाव वस्तु का भी बोधन करवा देगा, किसका अधिष्ठान का पारमार्थिक सत्ता का बोध करा देगा, ये विरोध है, एक ही वाक्य जो है दो विपरीत अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, वाक्य भेद प्रसंग और वाक्य भेद मानना जो है ना शास्त्र में गौरव दोष माना गया है, एक वाक्य तभी मतलब प्रामाणिक माना जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि व्यापार विरोध अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तम, से क्या हो गया, अद्वैत प्रामाणिक नहीं है, अद्वैत प्रामाणिक अपने आप स्वयं बोलते हैं, प्रथम सर्व वेदांत सिद्धम रविमि बोला कि नहीं, दस श्लोक में महाराज ये क्या पूर्ववादी बोल रहे हैं, पूर्ववादी बोल रहे हैं, ये तो पूर्ववादी बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं निरोधादि भावे अप्रामाणिकम प्राप्तम, ये देखो ना संकते क्या लिख रहे हैं, प्राप्तम इति संकते मतलब पूर्ववादी शंका कर रहे, आप समझेंगे कहते हैं कि पूर्ववादी बोल रहे हैं सिद्धांत बोल रहे हैं, ये शंका है अपने आप लिख रहे हैं, शंका करने वाले ऐसा बोलते हैं निरोधादि अभाव से परमार्थत्व तत्व शास्त्र व्यापार अद्वैत तत्व अव्यापार अभाव बोधने व्यापृत शास्त्र से भाव बोधने व्यापार विरोधा अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्त अद्वैत अप्रामाणिक है इति शंक्यते ऐसा शंका करने वाले बोलते हैं, तब उसके देखिए भाष्य में यानी कि भाष्य के ये हिस्सा शंका भाग है, यदि एवं द्वैत अभावे शास्त्र व्यापार न अद्वैते विरोधा, यदि आपके कथन को हम मानते हैं, यदि एवं मतलब आपके कथन को यदि हम मानते हैं तो द्वैत अभावे शास्त्र व्यापार, द्वैत की अभाव को प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र की उपयोगिता है, न अद्वैते अद्वैत को सिद्ध करने के लिए शास्त्र की उपयोगिता नहीं है, क्यों, दो विरोधी वस्तु है विरोध होने के कारण, ठीक है, ये पूर्ववादी बोल रहे हैं, यदि ऐसा ही है मतलब आपने सारा द्वैत प्रपंच जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है
आप अद्वैत तो जो है उसको प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाया, तो आप तो शून्यवादी बौद्ध बन गए, आप शून्यवादी बौद्ध बन गया। इसलिए बोलते सति यदि ऐसे ही तुम्हारे सिद्धांत तो होगा, अद्वैत वस्तुते प्रमाण अभाव, अद्वैत पारमार्थिक है, इस विषय में प्रमाण के अभाव होने के कारण शून्यवाद प्रसंग, शून्यवाद की प्रसन्नता है, शून्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा पूर्ववादी बौद्धवादी मतलब उस समय की मानवीय मुखाई का जिस समय लिखा गया था उसमें बौद्ध की बहुत बड़ा मात्रा प्रबल, उस समय की भारतवर्ष में बौद्ध की बहुत बहुत बड़ा बोलबाला था उस समय, बहुत बड़ा बुद्धदेव का कंटेम्पोररी, हाँ इसलिए बहुत बड़ा उस समय की वस्तु के प्रमाण। और इनको कोई भी बोलते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध है, प्रच्छन्न बौद्ध ऐसे बोलते हैं, बहुत बड़ा चाहिए प्रच्छन्न छुपा हुआ बौद्ध है, ये छुपा हुआ बौद्ध है गोपालाचार्य, वेदांति नहीं बोलते हैं। तो आगे अपने आप सिद्ध करते हैं कि मैं बौद्ध सिद्धांत को नहीं बोल रहा हूँ, मैं वेदांतिक सिद्धांत को बोल रहा हूँ। अपने आप बोले बाबा संकेत वेदांति में बोलेंगे ये जितना वो भी जगत को मिथ्या मानते हैं, हम भी जगत को मिथ्या मानते हैं, परंतु जगत के अधिष्ठान के बारे में नहीं कथन किया, परंतु हम जगत के अधिष्ठान के बारे में कथन करते हैं, इतना उनके साथ हमारे सिद्धांत की भिन्नता है। आगे बोलेंगे इसी बुक में अलग संकेत प्रकरण के अंतिम में बोलेंगे तथा च सति अद्वैतस्य वस्तुते प्रमाण अभावात् शून्यवाद प्रसंग, ठीक है, तब तो शून्यवाद के प्रसंग आ जाएगा। द्वैतस्य च अभावात् क्यों शून्यवाद के, क्योंकि आपने द्वैत को भी अभाव माना और अद्वैत को भी आप प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाए, यहाँ तक पूर्ववादी की शंका है। आप यहाँ पे जो पंक्तियों से अंदर थोड़ा सा भिन्नता दिखा, मतलब डिफेक्ट है, मतलब ये यहाँ पे हमारा किताब में शून्यवाद प्रसंग उसके बाद कमा दिया, हाँ। फिर द्वैतस्य च अभावात् उसके बाद भी कमा दिया, हाँ। अच्छा वहाँ पे तो कमा ठीक है, वहाँ पे पूर्ण विराम हो तो अच्छा यहाँ तक पूर्ववादी है, ठीक है ना। तो अब फिर जो है सिद्धांत का उत्तर है न, ये कथन नहीं है, मतलब जो हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये पूर्ववादी का कथन, मतलब पहले स्टेटमेंट क्या है प्रतिज्ञा कि यदि एवं द्वैत अभाव शास्त्र व्यापार हो न अद्वैत विरोध, यदि आपके ऐसे ही कथन है तो शास्त्र की उपयोगिता द्वैत के अभाव में सिद्ध हो जाता है, अद्वैत को प्रामाणिक सिद्ध करने में नहीं, एक साथ दो विरुद्ध कथन नहीं कर सकते। तथा सत्य अद्वैत वस्तु, इसलिए अद्वैत पारमार्थिक है, इस विषय में आपके पास कोई प्रमाण नहीं रह जाएगा और तो क्या प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आपने द्वैत प्रमाण को निषेध कर दिया, अद्वैत सिद्ध नहीं कर पाए तो शून्यवाद के प्रसंग हो जाएगा। मतलब क्योंकि पहले तो हम आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए ना, मतलब पहले जब आगम प्रकरण में हमने इसका उत्तर दे करके आया कि निराधिष्ठान क्रांति कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं आपका कथन सही नहीं है। क्यों? रज्जु सर्पादि विकल्प नाया, रज्जु के ऊपर जो करके सर्प है इस प्रकार के आदि से भूचित्र माला दंड जलता कुछ भी नहीं, विकल्प ना इस प्रकार के विकल्पों का निराशपदत्व अनुभव करते अधिष्ठान रहित होकर के कल्पना हो जाएगा, ये कहना युक्ति संभव नहीं। अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव ही नहीं है, हर जगह भी देखा निराशपदत्व अनुभव करती है ना। इसीलिए यदि प्रत्युक्त में मैं इसको पहले कथन करके आया, शून्य शत सिद्ध नहीं होता, शून्य अपने आप अपने को सिद्ध कर देगा। इस कमरे में जब कोई नहीं रहता, हम लोग पाठ करके चले जाते हैं, तो कमरा बोल सकता है कि नहीं कि मैं शून्य हूँ? नहीं बोल सकता। कमरा में कुछ नहीं है ये कहने के लिए कोई एक व्यक्ति को वहाँ पे चाहिए, इसीलिए हमारे सिद्धांत के अनुसार शून्यवाद कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। ये भी शून्य को जान, इसलिए भाई हमने ये उत्तर पहले आपको देखा क्या, शून्य न सदस्य और एक नंबर। और दूसरी बात क्या है, और कार्य लिंग का कोई अनुमान आदि प्रमाण भी नहीं है, मतलब इसको देख करके ये शून्य है, किसी को देख कर इस प्रकार धुआं को देख करके आप अनुमान करते हैं, इसी प्रकार किसी को देख करके यहाँ पे शून्यता है ये तो आप नहीं करते, किसी को नहीं देख करके आप यहाँ पे शून्यता का अनुमान करते हैं। हम तुरंत बोलेंगे जो किसी को देख करके शून्यता का अनुमान करते हैं तो वहाँ पे देखने वाला को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए शून्य कभी सिद्ध होता ही नहीं है,
सुनना कभी सिद्ध नहीं होता, हमारे वेदांतिक सिद्धांत का अनुसार जो मैंने एक बार इस प्रकार के कथन करके आया उस मुर्दा को फिर जिंदा क्यों कर रहे हो? उस जिस प्रश्न के उत्तर हम पहले आत्म प्रकरण में देख करके आया, असलियत ये उनका नहीं है, भगवान भाष्यकार की हमारे मन में इस भावना को दृढ़ करके बैठाने के लिए दोबारा शंका उठा कर उसी को निराकरण कर रहे हैं। प्रत्युक्तम एतद्, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया, कथम उच्ची वैसी फिर इसको दोबारा जिंदा क्यों करने का कोशिश कर रहा है? इसको मन में रखते ही भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं। आह, भाष्यकार उत्तर देते हैं, रज्जु अपि सर्व विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पिता एव इति दृष्टांत अनुभवते। पूर्ववत अभी एक और भयंकर आशंका उठाए, ये है तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया? रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो कल्पित है, और तुमने क्या बोला जागतिक सार वस्तु कल्पित है, तो जिस रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है वो भी कल्पित है। जिस रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना की तुमने, कुछ भिन्नता रहेगा, इस चीज को समझ नहीं पाए, तो तुमने क्या कहा कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प कल्पित है, ठीक है, तुम्हारे सिद्धांत जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा वो भी कल्पित है, वेदांतिक सिद्धांत वो भी तो कल्पित है। व्यवहारिक वस्तु में तुम सारा कल्पित माना, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प मिथ्या है, ये तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी ये भी मान्यता है, क्या मान्यता है? जो भी व्यवहारिक वस्तु दिखाई दे रहा है तुमने सिद्ध किया वो भी मिथ्या है, तो सर्प में भी मिथ्या है रज्जु भी मिथ्या है, इसी किसी प्रकार का क्या हो जाएगा? जिस अधिष्ठान के ऊपर तुम जगत कल्पना कर रहे हो वो अधिष्ठान भी मिथ्या होगा। विशुन्नवाद आ जाएगा, गुरु वाले छोड़ नहीं, मतलब हमारे अंदर क्या शंका को निकाल करके मिटाएंगे, परंतु यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम रज्जु को रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को मिथ्या किसके सापेक्ष में बोलते हैं? जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है उस रज्जु के सापेक्ष में रज्जु सर्प मिथ्या है, ठीक। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं जिस रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है वो रज्जु भी मिथ्या है, वो भी किसी के सापेक्ष में बोलते हैं, वो किसके सापेक्ष में? देखने वाले के सापेक्ष में, वो देखने वाले के सापेक्ष में, दृष्टा के सापेक्ष में, मतलब आत्मा के सापेक्ष में, आत्मा के सापेक्ष में द्वितीय प्रपंच मिथ्या है, है कि नहीं? ये हमारे सिद्धांत वो नहीं समझ पाया, क्यों? वो रज्जु को देखने से पहले वो दृष्टा के अस्तित्व पहले सिद्ध होता है, वो दृष्टा रज्जु की कल्पना करता है और उस रज्जु को सर्प की कल्पना करता है, परंतु अपने को कल्पना नहीं करता, अपना अस्तित्व का अनुभव में आता है, यहाँ पे कल्पना नहीं है, जो अपना अस्तित्व का अनुभव में आ रहा है यहाँ पे कल्पना नहीं है, इसलिए आत्मा अकल्पित अधिष्ठान है, यही हमारी कथन है। आपने बोला सारा द्वैत प्रपंच में इच्छा है, ठीक है, अब जो है कि दृष्टांत दृष्टांत में जैसे जिस दृष्टांत के आधार पर आप समझाना चाहते हैं रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प मिथ्या है, ठीक है, तो रज्जु भी तो अधिष्ठान मिथ्या क्यों व्यवहारिक जगत को मिथ्या माना? तो हमारे पास उत्तर ये है कि देखो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प किसके सापेक्ष में मिथ्या है? रज्जु के सापेक्ष में मिथ्या है, मतलब रज्जु व्यावहारिक है और सर्प प्रातिभाषिक है, रज्जु व्यावहारिक है सर्प प्रातिभाषिक है, इसलिए प्रातिभाषिक और व्यावहारिक में कोई विरोध नहीं है, दिखाई दे सकते हैं और क्या है इसके सापेक्ष में मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार से जो रज्जु को देखने वाला है जो आत्मा दृष्टा है वो रज्जु की कल्पना किया, मतलब व्यावहारिक रज्जु की हमने कल्पना की परंतु अपने को मैं कल्पना की, इसी प्रकार व्यावहारिक रज्जु को तो शरीर में सब आ जाएगा परंतु जो देखने वाला है वो कल्पित नहीं, उसके सापेक्ष में वो रज्जु नहीं, उसके सापेक्ष और हम मानते हैं हमें कुछ बेटा नहीं है, इसलिए हमें एक शंका हुआ ननु रज्जु अपि सर्व विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पिता एव, रज्जु भी जो सर्व विकल्पना में आप अधिष्ठान है वो भी तो तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार कल्पित है, इसलिए ये वही थे दृष्टांत अनुभव, इसे ये तुमने दिया ना रज्जु सर्व ये दृष्टांत सिद्ध नहीं है, वो भी तो रज्जु भी देख मिथ्या है मिथ्या वस्तु। यदि आप ऐसा पूर्ववत शंका करते, देखिए
एक नंबर टिप्पणी है वहाँ पे, रज्जु अपि सर्प विकल्प आस्पद भूता, ठीक है ना, एक नंबर टिप्पणी है विकल्प आरपित धर्म से, है ना, रज्जु अपि सर्प विकल्प आस्पद भूता, रज्जु भी जो सर्प विकल्प का आधार है, रज्जु अपि सर्प विकल्प आस्पद भूता, रज्जु जो सर्प कल्पना का आधार भूत है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार जब आप बोलते हैं रज्जु कल्पना है तो रज्जु कल्पना का आधारभूत कौन है, सर्प कल्पना के आधारभूत रज्जु है, ठीक है ना, इसीलिए सर्प प्रातिभाषिक है रज्जु व्यवहारिक है। अब वेदांत जी जब बोलते हैं रज्जु भी मिथ्या है तो उस कल्पना के आधारभूत कौन है, उस कल्पना कौन क्यों होगा रज्जु, वो मिथ्या है, वो पारमार्थिक है, इसलिए हम इसको उत्तर के रूप में कहेंगे रज्जु रवि सर्प विकल्प आस्पद होता विकल्पित है, वो भी तो कल्पित है, ये दृष्टांत अनुभव करते तुम्हारे सिद्धांत कौन सा कल्पित है, इसलिए ये दृष्टांत तो घटती नहीं है, यदि दृष्टांत तो मानोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अधिष्ठान भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार सर्वरूपी कल्पना के अधिष्ठान रज्जु मिथ्या है, इसी प्रकार जब कल्पना के अधिष्ठान जिसको तुम मान रहे हो वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, परंतु दृष्टांत दृष्टा में इस स्थान में भेद रहता है, परंतु जिस दृष्टांत के सहारे आप इसको सिद्ध करना चाहते हो उससे तो आपका अधिष्ठान भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बीच ब्रह्म और माया के बीच में जीव है, अधिष्ठान जिस रज्जु को आपने माना आपके सिद्धांत के अनुसार वो रज्जु भी मिलता है। आप इस दृष्टांत के आधार पर यदि जगत प्रपंच को तुमने जगत प्रपंच कल्पना के आस्पद होगा जिस तत्व को तुम मानोगे वो भी तो मिलता होगा, आरोपित आपके पुस्तक में अच्छा ये पूर्ववादी बोलने पर सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, देखिए हमारे मुख्य उत्तर है नौ, ये कथन आपका सही नहीं है, नौ मतलब आपका कथन सही नहीं, क्यों, विकल्पना क्षय और विकल्प इसको हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा मुख्य सिद्धांत है, विकल्पना क्षय और विकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत् अविकल्पितत्वादेव सत्व उपपत्ते है, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे विकल्पना क्षय, जब तक आप इस प्रकार कल्पना कर रहे थे आप अपने कल्पना भाव से ऊपर उठ गए, माया नेत्र से जग गए, विकल्पना क्षय अविकल्पितत्व अविकल्पितस्य जिसकी कल्पना नहीं किया गया है वो जो देखने वाला, आपने बोला रज्जु के ऊपर सर को दिखाई दिया, अब जो रज्जु को भी जो देखने वाला है जो रज्जु के ऊपर सर को दिखाई दे रहा है वो रज्जु का इदम अंश देख रहे हैं और मनोकल्पित सर्प को देख रहे हैं, ये दोनों है ना, तो रज्जु का इदम अंश को देखने वाला वो अपने आप तो कल्पित नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं पे विकल्पना क्षय अविकल्पितस्य जो अविकल्पित है वहां पे, अविकल्पित कौन है, दृष्टा स्वयं अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव वो विकल्पित नहीं होने के कारण ही एक सत्ता उपलब्ध है, उसके सत्यत्व सिद्ध हो जाता है। तो वहां पे देखिए कि आप हम यहाँ पे दृष्टांत में कैसे करेंगे, रज्जु का दो अंश है, एक रज्जु का इदम अंश है और एक का नाम अंश है, एक नाम रूप अंश और एक इदम अंश, एक सामान्य अंश है एक विशेष अंश, रज्जु के सामान्य अंश के सत्यत्व हम कभी निषेध नहीं करते, रज्जु के विशेष अंश का हम निषेध करते हैं, ये जगत जो नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है ये विशेष रूप है, इसका अंदर सामान्य घुसा गया है, ये घट है ये पट है ये नदी है ये पहाड़ है ये है, इसका हम निषेध नहीं करते, हम घट पट मट का निषेध करते हैं, इतना हिस्सा समझ नहीं पाता, एक वेदांती बोलते हैं कि मिथ्या मिथ्या, किसको मिथ्या बोल रहा है, अधिष्ठान को मिथ्या थोड़ी बोल रहा है,
ये है जो सामान्य नाम से उसको हम कभी नहीं मिलता क्योंकि दैट इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये हिमालय है, ये नदी है। देखो यहाँ पे ये और है, ये व्यभिचार नहीं कर रहा है। व्यभिचार कौन कर रहा है? घट, पट, मठ, हिमालय, नदी, ये व्यभिचार कर रहा है। जो इस प्रकार व्यभिचार करता है वो मिथ्या मानता है। व्यभिचार त्रिवर मिथ्या मानते हैं और जो व्यभिचार नहीं करता वो सत्य है। ये हमारे मान होते हैं, हमारे मिथ्या की परिभाषा ही ऐसी है। इसलिए अब देखिए जिस समय आपने बोला कि प्रतिपन्न उपाधो त्रयकाली विशेष प्रतियोगिता, जिस समय आपने वहां पर सर को दिखाई दिया, आपको अधिष्ठान तत्व की ज्ञान हो गया, तो निषेध किसका हुआ? रज्जु का निषेध, रज्जु का जो ये है इस अंश का निषेध नहीं हुआ। रज्जु के ऊपर दिखाई देगा जो सर को उस अंश का निषेध हुआ। निषेध होकर के रज्जु अंश कह दिए रज्जु है, ठीक है। जब हम रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना किया, सर्प कल्पना करते समय जब उसका ज्ञान हुआ, मतलब हम निषेध कर रहे हैं, निषेध करते समय किसका निषेध कर रहे हैं? ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। तो निषेध किसका हुआ? केवल मतलब सर्प अंश का निषेध हुआ, नाम रूप अंश का निषेध हुआ, ये है का निषेध नहीं। जिस प्रकार एक देखो गन्ने का सामान्य दृष्टांत, गन्ना था, ये गन्ना है, इसके ये रस है, ये गुड़ है, ये चीनी है, ये मिठाई है, सभी के अंदर एक मिठाई मिठ मिठास का अनुशुद्धता है, वो व्यभिचारी नहीं है। परंतु ये जो गन्ना व्यभिचारी है, रस व्यभिचारी है, गुड़ व्यभिचारी है, चीनी व्यभिचारी है, मिठाई की आकार व्यभिचारी, मिष्टत्व व्यभिचारी, ये समझ में आता है? ये इतना हिस्सों का मिथ्या बोलते हैं वेदांत, ये है मिथ्या का अधिष्ठान का मिथ्या कभी नहीं बोलते। इसीलिए आप बोलते हैं कि न विकल्पना क्षय, विकल्प वस्तु विकल्पित वस्तु का क्षय हो जाने पर, मतलब माया नित्या से जाग जाने पर, अविकल्पित जिसका कल्पना नहीं किया, जिसका कल्पना नहीं किया ये है अंशकल्पित नहीं है, ये अविकल्पित अविकल्पित एवं वो कल्पना नहीं होने के कारण ही हो सकता है। इतने कम सत्य मिथ्या में मिलता है, इसे बोलते अविकल्पित एवं सत्यत्व प्रवर्ते। तीन नंबर टिप्पणी का कुछ होते हैं अविकल्पित मतलब अनारोपित स्वरूप से किया, जो स्वरूप जो है मैं अपने आप को कल्पना नहीं किया, मैं अपने ऊपर शरीर की कल्पना की, परंतु मैं हूँ ये कल्पना नहीं है, ये कभी व्यभिचार नहीं करता। बलदादिशो में जागृत आदि सर्वस्वस्थस्व मैं अहम हूँ इति अंतःस्फुरन्तम् सदा, उसका स्फुरण है स्वर, ये व्यभिचारी नहीं है। इसलिए मैं अब व्यभिचारी है, परंतु मैं के ऊपर शरीर व्यभिचारी, इसलिए इसने इस हिस्सा को मिथ्या बोलते हैं, मैं को मिथ्या नहीं। पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः।